एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लाइफ ऑफ साइंस एग्जीबिशन लगाई गई, जिसका चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई एग्जीबिशन का भी अवलोकन किया। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज देश के टॉप इंस्टीट्यूट में आता है और राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। 2024 तक सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। इस दौरान आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, डॉक्टर अनुराग धाकड़ समेत अनेक डॉक्टर्स और विद्यार्थी मौजूद रहे। छोटे रूप में आज इसका कितना विस्तार हो गया, कितना 75 साल में कितनी तरक्की की है कि आज इस एग्जीक्यूशन के द्वारा हमको मालूम चला। हर बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी यहाँ पर रोबोट से शुरू हो गया, कितने डिपार्टमेंट हो गए कि सब तरह के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमारा देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इलाज नहीं जो आज हमारे मेडिकल कॉलेज के यहाँ एसएमएस में मेडिकल कॉलेज में नहीं हो। बहुत सारे डॉक्टर बने, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री वो फारूक अब्दुल्ला जी भी यही डॉक्टर बन के गए। बहुत सारे डॉक्टर के बहुत सारा यहाँ पर जितना सिस्टम है मेडिकल कॉलेज का, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और बहुत ही अच्छा लगा आज पूरा देखने के बाद कि निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने यहाँ पर अपना नाम किया है।